कुल लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। ये रेलवे पटरी पर हाय हाय करे वाला लड़का हवसन आर्मी के तैयारी करे वाला। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना आइला के बाद बक्सर के अभ्यर्थी कैलन रेलवे ट्रैक के जाम। ट्रेन पर कैले पथराव, काफ़ी मशक्कत के बाद ट्रैक से हटल अभ्यर्थी। खबर का बटुए विस्तार से जानी। बक्सर रेलवे स्टेशन पर जब सेना के तैयारी करे वाला अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन पर अचानक पहुँच गए तो अफरा तफरी के माहौल कायम हो गए। केंद्र सरकार के नया रिक्रूटमेंट प्लान अग्निपथ योजना के लेके सैन्य भर्ती खातिर अभ्यर्थी उग्र हो गेलन। छात्र के द्वारा TOD के विरोध कैल जात रहे, एकरा के लेके आज बुध के बक्सर रेलवे स्टेशन पे पहुँच के अभ्यर्थी जौन बाड़े रेलवे ट्रैक के जाम करके ट्रेन को पथराव कर दिले। इस दौरान काशी पटना एक्सप्रेस के अभ्यर्थी करीब 10 मिनट तक रोक के रखले। रेलवे ट्रैक पे छात्र के हंगामा देख के रेल सुरक्षा बल और रेल थाना समेत रेल प्रबंधन रेलवे ट्रैक के खाली करावे खातिर पहुँचल। अभ्यर्थी लोग के समझावे बुझावे के प्रयास कैल गई, तब जाके काफ़ी मशक्कत के बाद अभ्यर्थी करीब 10 मिनट के बाद रेलवे ट्रैक से हटलन। बतावत चली कि उग्र जौन अभ्यर्थी बा लोग, इनकर कहनाम रहे कि हमनी के 2 साल से बहुत मुश्किल से कई लोग फिजिकल मेडिकल एग्जाम निकाल के बैठन बनी जाए, हमनी के पैसा लगा के तैयारी कोनी जा अभी तक बैठल बनी जाए, अगर पहले के भर्ती कैंसिल ही करे के रहे तो वही टाइम काहे ना कैंसिल कर दिया गई। पहले से कोविड के हवाला देके, कोरोना के हवाला देके एग्जाम ना होत रहे, अब एग्जाम कैंसिल हो गई। 4 साल खातिर हमनी के का करब जाए नौकरी करके। सुबह 4 बजे से हमनी के फौज खातिर पहले से अपन तैयारी करत आवत नहीं जाए। हमार गार्जियन के उम्मीद रहे कि हमार बेटा फौज में नौकरी करी, मगर 4 साल खातिर नौकरी करके हमनी के का करब जाए। ये लोग कहता कि विधायक के 5 साल मिलेला, हमनी के 4 साल नौकरी काहे करब जाए। वो जो अग्निपथ सैन्य भर्ती में पेंशन भी ऐसे नहीं मिले वाला, ऐसा में हमनी के का करब जाए प्रकार के नौकरी करके। वही जे राजद भी ट्वीट कैले बटुए, राजद के फेसबुक अकाउंट पे बटुए कि 3 घंटा के अग्निपथ फिल्म रहे आ 4 साल के नौकरी बटुए, तो उपहास उड़ैले बटुए। रउरा सबके जानकारी खातिर बता दी कि अग्निपथ योजना के तहत अब आर्मी के भर्ती 4 साल खातिर होई, जौना में पहिलका साल ए आर्मी के जवान लोग के सरकार 30,000 महीना दी और चौथा साल में 40,000 दी। रिटायर करी लोग तो लगभग 4 साल में 11 लाख के आसपास रुपया दी। जेकरा विरोध में छात्र रेलवे ट्रैक पे उतरी गए, हंगामा करे लगले। छात्र के कहनाम रहे कि यह 4 साल में हमनी के जिंदगी बर्बाद हो जाए, हमनी के अब कहाँ जाए जा केकरा ले कहब जा कौन नौकरी मिली, हमनी के सपना रहे कि देश सेवा में पूरा जीवन बिता देव जाए। सुबह 4 बजे से दौड़त नहीं जा कि हमनी के नौकरी आर्मी में लगी, लेकिन जौना तरीका से फरमान आइल बा कहीं ना कहीं हमनी के परेशान करे वाला फरमान बा, जेकरा के लेके छात्र बक्सर के रेलवे ट्रैक पे उतर गए। हाय 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 हंगामा करे लगल है, हाय हाय के नारा लगावे लगल है। RPF के जवान पहुँचले समझा बुझा के ट्रैक से ही लोग के हटावल गोइल। हालांकि अब देखे के बटुए कि यह मामला में रेलवे प्रशासन कितना तैयारी करता है।
विश्वास करिए, हम लोग जो 2 साल से फिजिकल निकाल के बैठे हुए उससे एग्जाम कीजिए, कैंसिल मत कीजिए एग्जाम। बहुत मेहनत से फिजिकल निकालते हैं, फिजिकल मेडिकल सब निकाल के बैठे हुए और लास्ट में लोग पढ़ाई भी कर रहे 50-60 हज़ार रुपये लगाए हुए पढ़ने के लिए, आज वे एग्जाम कैंसिल हो गए। जब कैंसिल ही करना था तो उसी टाइम क्यों नहीं कर दिया? बहुत पहले से कोविड 19 के लगा रहा था, कोविड 19 की वजह से एग्जाम नहीं हो रहा है। आज जब आए तो कर दिया कि आज TOD लगेगा, कैंसिल एग्जाम कैंसिल हो गया। ये कौन सा मतलब होता है? टीओडी लगने से मात्र 6 महीने ट्रेनिंग करवाएगा, 4 साल के बाद रिटायर कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? किस कहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? सब क्या करेंगे हम लोग? 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? जब 4 साल के बाद भेज देगा तो अनकेत राय मेरा नाम पड़ेगा, बक्सर टीम से, बक्सर सुमेश्वर स्थान चलता है ट्रेनिंग हम लोग का। बहुत दोपहर में 9 बजे ट्रेन दौड़ते हैं, शाम को 4 बजे दौड़ते हैं, सब 4 बजे 9 बजे सोता होगा। हम लोग मेहनत करते हैं, आज हम लोग घर पर 4 साल के बाद क्या गए? हम लोग अभी माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा फौज में बनेगा, आज हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं क्योंकि 4 साल नेता हो या विधायक हो, उसको 5 साल विधायक ही करने को मिलता है। हम लोग को 4 साल में क्या होगा सर? 4 साल के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे, ना पेंशन है ना कुछ है, आप ही बताइए सर। हम लोग का मेन मांगे यही है कि ये नियम फेल किया जाए क्योंकि हम लोग का लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा सर।